ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के लेन देन के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी RTGS की समय सीमा में कुछ फेरबदल किया है। ये नया बदलाव 26 अगस्त से लागू होगा। RBI के मुताबिक RTGS के जरिए बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन की सुविधा 26 अगस्त से सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। ग्राहकों के लेन देन के लिए ये सुविधा सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी। वहीं बैंकों के बीच लेन देन के लिए ये सुविधा सुबह 8 बजे से शाम 7:45 तक उपलब्ध होती है। RBI ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। RTGS ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक जरिया है। इसका यूज बड़ी राशि को ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसके तहत न्यूनतम 2,00,000 रुपए भेजे जा सकते हैं और अधिकतम राशि भेजने की कोई सीमा नहीं है। बता दें, कुछ दिन पहले RBI ने इस सुविधा पर लगने वाले चार्ज को हटा दिया था। संडे और हॉलीडे वाले दिनों में RTGS की सर्विस उपलब्ध नहीं होती है। हाल ही में RBI ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के एक दूसरे माध्यम के जरिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी NEFT के जरिए 24 घंटे ट्रांजैक्शन की अनुमति देने का फैसला लिया है। ये बदलाव इस साल दिसंबर से लागू होगा। वर्तमान में NEFT दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर ग्राहकों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए उपलब्ध है। NEFT के तहत 2,00,000 रुपए तक की राशि भेजी जाती है।